हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ब्यूटी फर्स्ट में। कैसे हैं आप लोग? आज का मेरा रिव्यू है कोल्ड क्रीम का। जी हाँ दोस्तों, विंटर सीजन शुरू हो चुका है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों की समस्याएं भी शुरू हो चुकी हैं। हमारी स्किन प्रॉब्लम, जी हाँ दोस्तों, स्किन की समस्या विंटर में ज़्यादातर रहती है और ड्राई स्किन वाले अक्सर इस समस्या से परेशान रहते हैं। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पर इस समस्या का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ पर डाबर गुलाबरी कोल्ड क्रीम का रिव्यू लेके आई हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे पास है ये डाबर गुलाबरी कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम है ये विद नेचुरल रोज ऑयल। एंड इसके संग मुझे दोस्तों 50 ml का लोशन फ्री मिला है। जी हाँ दोस्तों, अभी ऑफर चल रहा है कुछ, ये इस तरह का लोशन आया हुआ है इसके साथ। इसका लोशन भी काफ़ी अच्छा है एंड अभी ऑफ़र चल रहा है, आप भी इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं, ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये डाबर गुलाबरी का ये कोल्ड क्रीम लेके आई हूँ, तो मैंने इसका रिव्यू बनाया है। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके पैकेट पे बना भी हुआ है और लिखा भी हुआ है, इसके अंदर जो मुख्य कंटेंट है वो है रोज़ का। जी हाँ दोस्तों, ये गुलाब के ही अर्क और इसमें गुलाब के ही खुशबू है, मतलब टोटली गुलाब का ही काम है इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्मेल के बारे में कहूँगी तो वो भी लाइक गुलाब जैसी हल्की हल्की सी इसकी स्मेल आती है। एंड इसमें और भी इंग्रेडिएंट हैं जो मिले हुए हैं, तो इधर पीछे पूरा डिटेल में दिया हुआ है इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट हैं, आप चाहें तो उसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं पीछे पूरा दिया हुआ है एंड इसकी स्मेल रोज़ की स्मेल है। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये इसकी फ्रेग्रेंस बनी रहती है और हमारी स्किन पे ये अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसका जो पैकेजिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी पैकेजिंग मुझे थोड़ी सी अनहाइजीनिक लगी। मैं आपको ये प्रोडक्ट ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह के प्लास्टिक के टब में आया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरह का प्लास्टिक का ये टब है। इसकी प्राइस की बात करती हूँ तो मैं ये 140 rupees का है और 100 ml इसकी क्वांटिटी है। एंड दोस्तों मुझे थोड़ा सा ये अनहाइजीनिक इसलिए लगा क्योंकि ये देखिए, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह के पैकेजिंग में आया हुआ है, टब पैकेजिंग है, ये ऊपर से पूरा खुला हुआ इसका मुँह है। इसे मैं अभी ओपन करके भी बताऊँगी आप लोगों को। तो इसे अगर निकालना रहेगा तो 2-3 लोग अगर घर में है इसे यूज़ कर रहे हैं तो उंगली डिप करके निकालेंगे, इसे यूज़ करेंगे, लगाएंगे, तो मुझे इस हिसाब से थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगा। अगर यही चीज़ ट्यूब में रहती तो थोड़ा सा कंफर्ट में रहता। तो फ्रेंड मुझे थोड़ा सा ये अनहाइजीनिक लगा, लेकिन फिर भी अच्छा है। अगर इसे केयरफुली यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी क्रीम है और काफ़ी अच्छी, इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड फ्रेंड इसकी पैकेजिंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईजी टू यूज़ है, इसे निकालना इसमें बहुत आसान है, ईज़िली ये निकल जाता है, इसमें से क्रीम बाहर हो जाती है, ईज़िली लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुली से रखना पड़ता है। अगर ट्यूब पैकेजिंग होती तो ये सारे झंझट से मुक्ति मिल जाती है। सो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। मिल्क क्रीम की तरह ये एकदम स्मूथ फील कराती है। इसकी क्वालिटी की बात करती हूँ अब मैं, ये जल्दी से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है एंड आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बनाती है। ये थोड़ा सा ऑयली है, अप्लाई कर थोड़ा सा इसका ऑयली नेचर है दोस्तों। सो इट इज़ बेटर टू, अगर आप लगाते हैं दिन रात को अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रात को लगा के सोएंगे तो सुबह तक आपकी स्किन को ये एक अलग सा ग्लो देगी। सोने से पहले आप इसे लगा सकते हैं। और अगर आप दिन में कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप घर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलना है तो। ज़्यादा चिपचिपी नहीं है लेकिन ये हल्की सी है, दिन में आप इसे यूज़ कर, अगर कहीं नहीं जा रहे हैं घर पर हैं तो आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डर्ट चिपकता है, डस्ट चिपकता है, थोड़ी सी ऑयली है। मैं आपको इसे अभी ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह की ये क्रीम है। फ्रेंड मैं इसे आपको ओपन करके अब दिखाती हूँ कि किस तरह की ये क्रीम आई हुई है, इसकी पैकेजिंग और ये किस तरह का इसका टेक्सचर है और ये हमारी स्किन पे किस तरह से वर्क करती है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का क्रीम है। काफ़ी इजली ब्लेंड हो रहा है, ये काफ़ी इजली, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी स्मेल सो नाइस, काफ़ी अच्छी स्मेल लग रही है मुझे। वैसे भी रोज़ की खुशबू, गुलाब की खुशबू किसे पसंद नहीं होती फ्रेंड। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं कहूँगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ करें, इस क्रीम को आप ले सकते हैं। एंड ड्राई स्किन की इचनेस को ये कम करता है, काफ़ी परफेक्ट सॉल्यूशन है ये ड्राई स्किन वालों के लिए। एंड फ्रेंड
इस तरह का इसका टेक्सचर है। ये देखिए मेरे हाथों पे मैंने इसे ब्लेंड किया, इजली ब्लेंड हो गया ये और काफ़ी अच्छा शाइन दे रहा है, कोई ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं है। थोड़ी देर में ये और ड्राई हो जाएगा। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पर डाबर गुलाबरी का रोज़ गोल्ड क्रीम का रिव्यू किया। सो फ्रेंड आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो फ्रेंड थैंक यू एंड बाय बाय।